हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग वीके मेहता का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। तो अभी हम जो चैप्टर लेकर के आने वाले हैं वो एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक। तो अभी हम लोग एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक का एमसीक्यू सिलेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर जो जो न्यूमेरिकल दिया है उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं रिवीजन पर्पस के लिए बना रहे हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुने और जो एमसीक्यूज है उनको याद करने की कोशिश करें। और अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप जो न्यूमेरिकल्स है उसका सोल्यूशन चाहते हैं या फिर जो एमसीक्यू है उसका डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिएगा। फिर हम जब ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा तो हम इसे फिर डिटेल में लेकर के आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब डिटेल में अपलोड करेंगे एमसीक्यू को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स वोल्टेज गेन। अगर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज गेन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वोल्टेज गेन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड है, द वैल्यू ऑफ फीडबैक फ्रैक्शन इज ऑलवेज, तो फीडबैक फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन वन होता है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसको अभी स्किप करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। 36 है, द वोल्टेज गेन ऑफ एन इमीटर फॉलोअर इज, इमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन कितना होता है, तो इमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन एक से ज़्यादा होता है। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 36 का 2, सॉरी यहाँ पर इमीटर फॉलोअर है। ठीक है, कॉमन इमीटर का ग्रेटर देन वन होता है, इमीटर फॉलोअर या फिर कॉमन कलेक्टर का लेस देन वन होता है, तो ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन इमीटर फॉलोअर कैन गिव कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड इम्पीडेंस वेरिएशन बिकॉज इट हैज, एक बार फिर से देख लेते हैं, एन इमीटर फॉलोअर कॉमन कलेक्टर की बात कर रहा है, कैन गिव कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड इम्पीडेंस, इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है लोड इम्पीडेंस से इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज इट हैज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 37 का हम लोग का 37 का सही आंसर हो जाएगा 2, लो आउटपुट इम्पीडेंस, इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है लो होता है। कॉमन कलेक्टर का याद रखना है इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। तो इस टाइप से भी हाई लो करके हम लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये इनपुट करंट है, ये इनपुट वोल्टेज है कॉमन कलेक्टर के लिए, ये इनपुट इम्पीडेंस है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला लो जो है वो आउटपुट इम्पीडेंस है। तो हाई लो इस टाइप से करेंगे, और कॉमन जो इमीटर है, कॉमन इमीटर और कॉमन बेस का इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, जहाँ पर हाई है वहाँ पर लो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जेड आउटपुट हम लोग देख रहे हैं, लो आउटपुट है, यहाँ से भी लो ही हम लोग को मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ द इमीटर रेजिस्टेंस इज नॉट बाईपास्ड, इमीटर रेजिस्टेंस अगर हम लोग बाईपास ना दें वहाँ पर, ठीक है, इमीटर रेजिस्टेंस के पास अगर कैपेसिटर ना लगाएं तो इट रिजल्ट इन, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा 2, निगेटिव करंट, 38 का 2 निगेटिव करंट फीडबैक इसको बोलेंगे, रिजल्ट इन निगेटिव करंट फीडबैक, इफ द इमीटर रेजिस्टेंस इज नॉट बाईपास्ड इट रिजल्ट इन निगेटिव करंट फीडबैक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, सीरीज करंट निगेटिव फीडबैक अकर्स व्हेन फीडबैक वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर सीरीज करंट और निगेटिव फीडबैक बोला है, तो सीरीज करंट के लिए जो ए होगा हमारा वोल्टेज होगा प्रोपोर्शनल, व्हेन फीडबैक वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू, तो बोल रहा है कि सीरीज करंट निगेटिव फीडबैक के लिए फीडबैक वोल्टेज होगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो 39 का हमारा सही आंसर 2 हो जाएगा, आउटपुट करंट। उसके बाद बीच में हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, न्यूमेरिकल के लिए बाद में अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 58 है, व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर, अगर नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक हम लोग अप्लाई करते हैं तो पावर गेन क्या होगा एम्पलीफायर का, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो 58 का सही आंसर होगा 2, डिक्रीज कर जाएगा। द नेगेटिव करंट फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, अगर नेगेटिव करंट गेन देते हैं तो वोल्टेज गेन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो या फिर वोल्टेज या पावर गेन पर क्या फ़र्क पड़ेगा पूछ रहा है नेगेटिव करंट फीडबैक देने से, तो हमारा 59 जो है, 59 का आंसर हो जाएगा 4, नन ऑफ द एबव। ठीक है, उसके बाद है विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक, फिर से निगेटिव वोल्टेज फीडबैक लिया है टू एन एम्पलीफायर द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीफायर, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा निगेटिव वोल्टेज फीडबैक के साथ, तो जो 60 है इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट इज डिक्रीज्ड। ठीक है,
लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद अगला है विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक टू एन एम्पलीफायर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विथ निगेटिव करंट फीडबैक टू एन एम्पलीफायर द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीफायर इज, निगेटिव करंट फीडबैक के साथ जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 63, विथ निगेटिव करंट फीडबैक टू एन एम्पलीफायर द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 63 का सही आंसर 1 हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाई टू एन एम्पलीफायर करंट गेन, करंट गेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर निगेटिव वोल्टेज फीडबैक देंगे तो 64 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 64 का सही आंसर डज नॉट चेंज। उसके बाद 65 है, विथ निगेटिव करंट फीडबैक इज अप्लाई टू एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन, निगेटिव करंट फीडबैक अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज गेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सही आंसर हो जाएगा कोई चेंजिंग नहीं, डज नॉट चेंज। उसके बाद व्हेन निगेटिव करंट फीडबैक इज अप्लाइड टू एम्पलीफायर इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर, निगेटिव करंट फीडबैक देने से इनपुट इम्पीडेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद 67 है, व्हेन निगेटिव करंट फीडबैक इज अप्लाई टू एम्पलीफायर आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, जब निगेटिव करंट फीडबैक अप्लाई करेंगे तो आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो 67 का 2 सही आंसर हो जाएगा, मतलब आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज कर जाएगा अगर हम लोग निगेटिव करंट फीडबैक अप्लाई करते हैं तो। तो ये था हम लोग का इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड था। उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए आप लोग जैसा होगा बोलिएगा। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर क्लोज करते हैं, थैंक यू।